जी आ गए सब लोग। अच्छा जी, अब राफिया मुझे एक बात का जवाब दे, राफिया मुझे एक बात का जवाब दे। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस मोदी की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से अफेक्ट होंगे, हाँ या ना? राफिया होंगे क्या? वर्ल्ड वॉर टू का जो इवेंट हुआ उसे हिटलर ने एज एन इंडिविजुअल अफेक्ट किया? किया? मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ग्रोइंग टाइज है उनके पीछे इमरान खान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद की इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, फ्रेंडशिप या इंटरेस्ट है? ठीक है, अगली चीज मेरे बहनों भाइयों, ये जो पाकिस्तान ने करतारपुर बॉर्डर खोला, इसने सिख कम्युनिटी का सेंटीमेंट टूवर्ड्स पाकिस्तान और रिजल्टेंटली इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को अफेक्ट किया? ठीक है, नंबर दो, सऊदी अरब के फॉरेन पॉलिसी में सऊदी अरब की तरफ ही टिल्ट रहना और ईरान की तरफ टिल्ट ना रहना, इस पे सोसाइटी लेवल पे पाकिस्तान में मेजॉरिटी सुन्नी एलिमेंट है? ठीक हो गया। अगली चीज, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान पींगे, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान प्यार की पींगे, ठीक हो गया, ये क्या स्टेट लेवल पे चाइना की पाकिस्तान पे ज्योग्राफिकल एक्सेस और पाकिस्तान की स्टेट की चाइना पे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी उसकी वजह है? ठीक हो गया। और फाइनली, दुनिया को 9/11 के ग्लोबल इवेंट ने अफेक्ट किया? दुनिया को क्या कोविड-19 के ग्लोबल इशू ने अफेक्ट किया? किया? ठीक हो गया। क्या दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का इशू, ग्लोबल लेवल पे ये फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, जब आप आईआर को पढ़ते हो तो आईआर के हर इवेंट को, ठीक है, आईआर के हर इवेंट को आप चार लेवल्स पे एनालाइज कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे? ठीक हो गया। तो जनीन, क्या कितने लेवल ऑफ एनालिसिस आईआर के अंदर अप्लाई हो सकते हैं? जरीन, सुन्नी फैक्टर सोसाइटल लेवल फैक्टर है, डेमोग्राफिक फैक्टर है। ठीक हो गया। अब तो मैं क्या ये कह सकता हूं उर्वा बेटा, आईआर इज द स्टडी ऑफ ग्लोबल इवेंट्स, आईआर इज द स्टडी ऑफ ग्लोबल इवेंट्स या आईआर इज द स्टडी ऑफ रिलेशंस बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल सोसाइटी स्टेट एंड ग्लोबल लेवल फैक्टर्स? ठीक हो गया। आई आर इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस शेप्ड बाय इंडिविजुअल सोसाइटी स्टेट एंड ग्लोबल लेवल फैक्टर्स। क्या मैं ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता? कह सकता हूं?
हाँ या ना? ठीक हो गया। अब अनीजा बेटा मेरी बात को जरा समझ। स्कोप क्या होता है? स्कोप क्या होता है? प्रोजेक्शन। बच्चों ये एक गुब्बारा है, ये एक गुब्बारा है, आप इसमें हवा भरते जाओ तो ये बड़ा होता जाएगा। हाँ या ना? बड़ा होता जाएगा ऐसा ही है। तो वट एवर इज इनसाइड दिस बालू दैट इज स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट। राफिया ऐसा ही है, राफिया ऐसा ही है। अब इस लव स्कोप के साथ ना एफपीएससी वालों को बड़ी रोमांटिक किस्म की एफिलिएशन है। हर सब्जेक्ट में होगा स्कोप ऑफ आईआर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप ऑफ जेंडर स्टडी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। हर सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? मिलेगा। तो हुजैफा एक आईआर के स्कोप में क्या आएगा? जो कुछ आईआर के गुब्बारे में है वही आईआर के स्कोप में आएगा। ऐसा ही है राबिया। तो एक सब्जेक्ट में जो कुछ पढ़ा जाता है वही उसका स्कोप होता है। ये कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझे? तो अगर स्कोप का क्वेश्चन आ जाए जरीन, अगर स्कोप का क्वेश्चन आ जाए तो बुनियादी तौर पे तो आप स्कोप के अंदर पूरे सब्जेक्ट की समरी नहीं देते। ऐसा ही है, एग्रीड? तो मिसबा बेटा, मिसबा बेटा, ठीक है मिसबा बेटा, क्या फिर आईआर का स्कोप यही नहीं होगा? क्या यही आईआर का स्कोप नहीं होगा? बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों, अब प्लीज जरा वन बाय वन मैं सारे एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करने लगा हूं। सब्जेक्ट एलिमेंट सब लोगों के क्लियर हो गए ना? सब्जेक्ट एलिमेंट सब लोगों के क्लियर हो गए? ओके। अब मेरे बहनों भाइयों, मैं वन बाय वन आप लोगों को डिस्कस करने लगा हूं, वन बाय वन मैं डिटेल में डिस्कस करने लगा हूं। मरियम बेटा जरा समझी, मरियम मेरे और तेरे दरमियान कॉमन इंटरेस्ट या कंपीटिंग इंटरेस्ट किसी ना किसी फैक्टर पे बेस करेंगे? मेरे और तेरे दरमियान कॉमन इंटरेस्ट या कंपीटिंग इंटरेस्ट किसी ना किसी फैक्टर पे बेस करेंगे? ठीक है। तो मेरे बहनों भाइयों, आईआर के अंदर जो मेजर फैक्टर्स हैं वो हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, स्ट्रेटेजिक फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। इंटरेस्ट बेस्ड करेंगे? हाँ या ना? अब मुझे अपनी मर्जी का कोई टॉपिक दो, मुझे अपनी मर्जी का कोई टॉपिक दो। अपनी मर्जी का कोई टॉपिक दो। सीपैक, राफिया इधर देख, सीपैक गवादर, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल पोजीशन और गवादर के जरिए शॉर्टेस्ट एक्सेस टू चाइना, शॉर्टेस्ट एक्सेस टू चाइना, क्या ये ज्योग्राफिकल फैक्टर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कन्वर्जिंग इंटरेस्ट को शेप दे रहे? रफिया, राफिया क्या, ठीक
ठीक है, चाइना का बेल्ट रोड इकोनॉमिक इनिशिएटिव और पाकिस्तान की इकोनॉमिक नीड्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एनर्जी, जैसे कि इंडस्ट्री, जैसे कि इकोनॉमी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना पे और चाइना की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे कन्वर्ज हो रही है या नहीं हो रही? तो क्या चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कोऑपरेशन इकोनॉमिक कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पे हो रही है? हो रही है। अब रफिया बेटा अगली चीज, डेमोग्राफ्स में क्या आ जाएगा? पीपल। डेमोग्राफ्स में क्या आ जाएगा? पीपल, पॉपुलेशन। क्या चाइना को पाकिस्तान में चीप लेबर अवेलेबल हो सकता है? हो सकता है। ठीक हो गया। अगली चीज, स्ट्रेटेजिक फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर। क्या अमेरिका चाइना की ग्रोथ को रोकना चाहता है? और क्या चाइना और पाकिस्तान का कॉमन एनिमी रीजन में इंडिया है? और इंडिया के अमेरिका के साथ मिलिट्री डिफेंस टाइज हैं? तो क्या चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस प्रोडक्शन, JF-17 थंडर, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन हो गई? कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो गए, हुए या नहीं हुए? ठीक हो गया। आगे, 1960s के एंड से लेके आज तक क्या हिस्टोरिकली हमारे डिस्कोर्स में एस्टेब्लिश हो चुका है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद? यस रफिया, क्या साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के अंदर यह एलिमेंट एस्टेब्लिश हो चुका है कि चाइना हमारा दोस्त है? ठीक हो गया। फाइनली, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और चाइना की एस्टेब्लिशमेंट क्या इस टाइम ग्लोबल अरीना में अपने आप को अलाइज के तौर पे प्रोजेक्ट करने में उनका कॉमन इंटरेस्ट है या नहीं है? है या नहीं है? तो दोनों के दरमियान प्यार की पींगे हो गई? हो गई। तो मिसवा बेटा, ये वो ब्रॉड लेवल फैक्टर्स हैं, ये वो ब्रॉड लेवल फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे तुम किसी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के सिनेरियो में कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हो। पूरी फिल्म समझ आ गई? पूरी फिल्म समझ आ गई? अच्छा, अब मरियम मुझे बता, मरियम मुझे बता, क्या कश्मीर इशू के अंडरलाइंग फैक्टर्स भी यही नहीं होंगे? जी हुजैफा, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी ऐड कर लो। क्या पाकिस्तान सऊदी अरब रिलेशनशिप के अंडरलाइंग फैक्टर भी यही नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? कोई एक फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, लेकिन हर फैक्टर किसी ना किसी तरीके से प्ले जरूर करे कर रहा होगा। ठीक हो गया। तो आईआर के अंदर चीजों को एनालाइज करने का पहला तरीकेकार यह है कि आप स्टडी ऑफ इंटरेस्ट को बेस बनाएं, स्टडी ऑफ इंटरेस्ट को बेस बनाएं और इन फैक्टर्स ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पे आप सिनेरियोस को एनालाइज करें। अब जितना मैंने बताया, हुज़ैफ़ा मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि
तूने किसी टॉपिक के बारे में, करंट अफेयर, पाक अफेयर के किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन क्या इन फैक्टर्स को बेस बना के तू ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है? कर सकते हो? तुम किसी भी ऐसे को, इन फैक्टर्स को बेस बना के डिस्कस कर सकते हो? मुझे पानी दे। तो यहां से करंट अफेयर, पार्क अफेयर, ऐसे उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग का पहला तरीका तुम्हें समझ आ गया? ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, मैं अब दूसरे पर्सपेक्टिव पे आने लगा हूं, जो है नेचर। ठीक हो गया। मैं दूसरे पर्सपेक्टिव पे आने लगा हूं, जो है नेचर। अब मैं नेचर की अकॉर्डिंगली तुम लोगों से ये चीज डिस्कस करता हूं, ठीक है? नेचर जरा समझेगा। आईआर के अंदर जब मल्टीपल इंटरेस्ट है, जब ये स्टडी ऑफ मल्टीपल इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होगा। तो आईआर की सब्जेक्ट नेचर एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, इनिशियली नैरो पर्सपेक्टिव याद करो, तो इनिशियली आईआर, ठीक है, नैरोली डिफाइन होता था। इंटरनेशनली आईआर नैरोली डिफाइन होता था। बच्चों एक मिनट जरा ठहरिएगा। अच्छा जी, तो आईआर मेरे बच्चों एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अनिजे बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अनिजे मेरे साथ चली मेरा बच्चा। लेकिन आईआर हमेशा ऐसा सब्जेक्ट नहीं था। पहले आईआर एक नैरो सब्जेक्ट था, एक क्लोज सब्जेक्ट था, एक लिमिटेड सब्जेक्ट था। आईआर एक नैरो सब्जेक्ट था, एक क्लोज सब्जेक्ट था, एक लिमिटेड सब्जेक्ट था, और ये सिर्फ स्टेट लेवल पे स्टेट टू स्टेट पॉलिटिकल रिलेशंस के साथ डील करता था। ठीक हो गया। ये स्टेट टू स्टेट सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस के साथ डील करता था। लेकिन ये सब्जेक्ट चेंज हो गया, इसकी नेचर चेंज हो गई वर्ल्ड वॉर टू के बाद। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसकी नेचर चेंज हो गई। ठीक हो गया। अब ये सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं है, बल्कि अब ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, ये एक ओपन सब्जेक्ट है, ये एक एक्सटेंडेड सब्जेक्ट है। मीनिंग दैट कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपल एक्टर्स के रिलेशनशिप पे बेस करता है। ठीक है। अब साइमा पुत्र, सवाल ये पैदा होता है या नहीं होता कि सर वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये नैरो सब्जेक्ट ओपन सब्जेक्ट हो गया? ये सवाल पैदा होता है या नहीं होता? ये सवाल पैदा होता है कि ये नैरो सब्जेक्ट ओपन सब्जेक्ट में क्यों कन्वर्ट हो गया? तो
मेरे बहनों भाइयों, चार फैक्टर्स ने इस नैरो सब्जेक्ट को ब्रॉडर सब्जेक्ट के अंदर इवॉल्व करने में मदद दी। नंबर एक, वर्ल्ड वॉर टू के बाद आ गई एज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। पहले स्टेट्स के दरमियान वन टू वन इंटरेक्शन होते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद बड़ी तेजी से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हो गई। ठीक हो गया, यूएन बन गया, आसियान बन गया, सार्क बन गया, एसीओ बन गया, फिर मल्टीलेटरलिज्म के अंदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आ गई, वगैरह 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 वगैरह। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद इस सब्जेक्ट को ओपन करने में जो पहला रोल अदा किया वो था कि एज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म आ गई। ये कॉन्सेप्ट चौकस हो गया मेरा बच्चा, चौकस हो गया। नंबर दो, दूसरी चीज जिसने इसे ओपन किया, जरीन क्या? नहीं यार, क्या नहीं समझ आया जरीन? एक तो ये जो रिपीट कहते हैं ना, मेरा दिल चाहता है मैं कुटू। ठीक हो गया, मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब होता है कि स्टेट्स बाइलेटरल रिलेशनशिप की बजाय मल्टीपल स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना के मसलों को कलेक्टिवली बियॉन्ड द यूनिलेटरल, ठीक है, विल ऑफ द स्टेट हल करें। तो यूएन वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना, यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना, आसियान वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना, ओआईसी वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना, तो ऑटोमेटिकली दुनिया में एज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म आ गई ना। और जरीन और मलंग, अब क्लियर हो गया? तो दुनिया अचानक यूनिलेटरल पॉलिटिक्स से निकल के मल्टीलेटरल पॉलिटिक्स के अंदर प्लग इन हो गई, जिसने इस सब्जेक्ट को नैरो से ओपन कर दिया। नंबर दो, वर्ल्ड वॉर टू तक दुनिया की तारीख का सबसे कॉमन इवेंट था वॉर। वर्ल्ड वॉर टू तक दुनिया की तारीख का सबसे कॉमन इवेंट था वॉर। ठीक हो गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई हिरोशिमा नागासाकी के इवेंट पे, तो दुनिया को पता ऐसा चला कि भाई अब दुनिया में एक ऐसा वेपन आ गया है कि आप वॉर के काबिल ही नहीं रहोगे, और दीपिका वहां से भी काली हो जाएगी, जान जान से काली नहीं किए। ठीक हो गया, तो अचानक दुनिया कन्वेंशनल वॉर से डेटरेंस के कॉन्सेप्ट पे आ गई, चुनाचे वेपन्स का कॉन्सेप्ट भी न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से, मिलिट्री का कॉन्सेप्ट भी न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से एक्सपेंड कर गया। साइमा पुत्र, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अगली चीज, वर्ल्ड वॉर टू तक इंडिपेंडेंट मीडिया, फ्री मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ऑटोमेटिकली स्टेट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, मैसेज को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी, इसलिए जो स्टेट बोल देती थी वही सच था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इंफॉर्मेशन एज आ गई, सोशल मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया, जिसकी वजह से सिविल सोसाइटी मुतहरक हो गई। ठीक हो गया, फॉरेन ऑफिस में बात पता चलने से पहले सोशल मीडिया पे आवाम को पता चल जाती है, तो इंफॉर्मेशन एज ने भी पूरी दुनिया को ओपन कर दिया। ठीक हो गया, पाकिस्तानी लड़का, ठीक है, अमरीका की लड़की को फंसाता है फेसबुक पे, ठीक हो गया, और वो अमेरिका की लड़की पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में गर्क होके पाकिस्तान पहुंचती है, और पता चलता है ना वो लड़की है, ठीक हो गया, अब वो 42 साल की मोटी लड़की, ठीक है, वो इसके मां बाप को आके कहती है कि मुझे अपने बेटे से शादी करवा दे, वो कहता है खुशी खुशी, तो शादी के बाद वो कहता है ले चल मुझे अमेरिका, मैं वहां पे जाके तेरी खिदमत करूंगा, तो वो कहती है नन नन ना, मैं यहाँ पे रह के तेरे माँ बाप की खुद खिदमत करूंगी। ठीक हो गया, तो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और कमर की बजाय मिल गया कमरा।
आई होप सो मेरे बच्चों को बात समझ आ गई। इंफॉर्मेशन एज, उसने भी दुनिया को ओपन अप कर दिया, ठीक हो गया। अगली चीज लिबरल इकोनॉमी, ठीक है, दुनिया में इन्वेस्टमेंट, फ्री ट्रेड, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, ट्रेड, ई कॉमर्स, आनिया जानिया, माहौल कुपिया टुन, तो दुनिया के अंदर फ्री मार्केट आ गई, जिसकी वजह से भी दुनिया में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिजनेसेस की ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से भी ये दुनिया ओपन अप हो गई। चुनाचे वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये वो चार फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को पूरे का पूरा इवॉल्व कर दिया, ओपन कर दिया, और ये नैरो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ब्रॉडर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। हो गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया। अब शहबाज मुझे एक बात का जवाब दे मेरा बच्चा, शहबाज मुझे एक बात का जवाब दे, ठीक है, शहबाज मुझे एक बात का जवाब दे। शहबाज हमारे मुल्क में एक एंकर हैं जिनका नाम है कामरान खान, वो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, लम्हा बलम्हा बदलती डेवलपमेंट, इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते? अब मिसवा पुत्र, मिसवा पुत्र मुझे एक बात का जवाब दे, क्या कोरोना से पहले और कोरोना के बाद दुनिया चेंज हुई या नहीं हुई? हुई। क्या 9/11 से पहले और 9/11 के बाद दुनिया चेंज हुई या नहीं हुई? हुई। तो जब ये एक ब्रॉड नेचर का सब्जेक्ट है तो दुनिया के हर इवेंट के बाद इसका स्कोप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो राफिया पुत्र, दुनिया के हर इवेंट का ताल्लुक आईआर के सब्जेक्ट के साथ हो गया? हो गया। तो सबसे खूबसूरत बात है आईआर की नेचर में कि आईआर को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, आईआर इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, लम्हा बलम्हा बदलती दुनिया की स्टडी है आईआर। ओके, नेचर और स्कोप क्लियर हो गया? ऑल पाकिस्तान पोल्ट्रीज एसोसिएशन, अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, सुमेरा पुत्र वापस आ जा, ठीक हो गया, वापस आ जा, जहां गई थी ना मलंग औरत, वापस आ, इंटरेस्ट ओके? और वह पुत्र इंटरेस्ट होके, एक तो इस क्लास में मर्द नहीं है, मुझे एवे ही, ओए मनुसो किधर मार गए हो? डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर साहब यहां पे कुड़ियों ने मुझे घेरा हुआ है, आपको शर्म ही नहीं आ रही? ओ मनुसो तुम भी बोला करो, साथ मैं रिपीट करूंगा, तुझे घोड़ों के नीचे दे के मुक्के मार मार के, ठीक हो गया। अच्छा इधर ध्यान करो, अगली चीज नेचर क्लियर हो गई बच्चों? नेचर क्लियर हो गई? ठीक हो गया। अब शहबाज, अब क्या मैं इन इंटरेस्ट की बुनियाद पे रिलेशंस को डिस्कस कर सकता हूं? क्या मैं इंटरेस्ट की बुनियाद पे रिलेशंस को डिस्कस कर सकता हूं? ठीक है, तो मुझे कोऑपरेटिव रिलेशनशिप के सिनेरियोस बताओ। निधा पुत्र मुझे कोऑपरेटिव रिलेशनशिप के सिनेरियोस बताओ। फैक्टर्स को जेन में रखना,
नहीं फैक्टर्स नहीं मरियम बेटा, नहीं समझी ना, मैं ये नहीं पूछ रहा। हाँ ऐसे अनीजा जैसे बता रही है, ट्रेड और फैक्टर्स तो वही होंगे ना, आप उन्हें नामों में कन्वर्ट करो, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल टाइस, डिप्लोमेटिक टाइस, ठीक हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम्स, ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स, फूड कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, इन्वायरमेंटलिज्म, टूरिज्म, इंपोर्ट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सोनाली गोंदल, तू कंसेप्ट क्लियर करा देता है, मुझे तेरे पे खुद पे प्यार आ गया, वाह वाह वाह, कॉल बना दिया तूने, कोऑपरेशन क्लियर, कोऑपरेशन क्लियर जी। अब आ जाओ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, इश्किया हो गया, अब आ जाओ डिश्किया पे। कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाओ, शुरू करो, फिर समरीन वैसे शुरू हो गई है, इवेंट्स नहीं पूछ रहा, टेररिज्म, वॉर, बॉर्डर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट्स, ट्रेड वॉर्स, न्यूक्लियर वेपन्स, आर्म्स रेस, आर्म्स रेस ऐड कर लो आगे, सेंक्शंस, इरेडेंटिज्म, फेटफ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ठीक है, डिस्प्यूट्स ऑन दीपिका, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, और वाह शाबाश मेरा बच्चा, बहुत अच्छे, प्रॉक्सी वॉर्स, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बच्चों पहले तीन एलिमेंट्स क्लियर हो गए, क्लियर हो गए बच्चों, सॉरी मैं जानबूझ के तुम्हें एंगेज करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को सिर्फ एक गिला होता है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर इंटरेक्शन नहीं होता, मैं जानबूझ के खुद तुम लोगों के दिमाग खुलवाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप सो प्रॉब्लम नहीं हो रहा किसी को, आगे चलूं, ठीक हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला एलिमेंट क्या है मेरा बच्चा, अगला एलिमेंट क्या है मेरा बच्चा, आई मेरी माँ, बुढ़ापा भी बड़ी बीमारी, एक्टर्स, अब एक्टर्स शुरू करें मेरे बहनों भाइयों, एक्टर्स शुरू करें जी मेरे बहनों भाइयों, कितनी तरह के एक्टर्स होंगे, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, जी मेरे बहनों भाइयों, जी जी मैं इधर ही हूँ जरीन, घर की लाइट अचानक जो है ना वो डिप मारी थी उसने, तो मैं ठीक है। अच्छा जी, तो दो तरह के एक्टर होंगे, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर। बच्चों यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिक्टेशन करवानी है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिक्टेशन करवानी है, मेरे साथ चलना है तुम लोगों ने, मेरे साथ चलना है तुम लोगों ने, ठीक हो गया। बच्चों इधर ध्यान करो, सबसे पहला एक्टर है स्टेट, स्टेट स्टेट को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, अच्छा शहबाज मेरी जान, बाजुरा सुन, हम अज्यूम करो सारे के सारे एक घर में रहते हैं, और वो घर किराए का घर नहीं है, वो हमारा अपना जाती घर है, तो हमारे पास एक परमानेंट टेरिटरी है, और वह अब
हम सारे के सारे उसके अंदर मुस्तकिल मकीम है, तो क्या हम परमानेंट पॉपुलेशन में बैठ गए, परमानेंट टेरिटरी हो गई, उसमें हम लोग परमानेंट पॉपुलेशन में आ गए? आई या नहीं आया मेरा बच्चा? आगे अब अगली बात जरा समझनी है। परमानेंट पॉपुलेशन हो गई, अब मुझे एक बात का जवाब दो। शहबाज, दूं और मेरी ये ड्यूटी थी, मेरी ये ड्यूटी थी, मेरी ये ड्यूटी थी, लेकिन अगर मैंने अपनी ड्यूटीज पूरी की तो उसके रिटर्न में मेरा भी तो कोई राइट होगा या नहीं होगा? अरे पुत्र, कहानी समझ रही है या नहीं समझ रही? अब मेरे और तेरे दरमियान कौन से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गए? हमारे दरमियान राइट्स एंड ड्यूटीज का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। यहां तक मेरे बच्चे को बात समझ आ गई? यहां तक मेरे बच्चे, एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके सब्जेक्ट्स के दरमियान कस्टोडियनशिप की बुनियाद पे राइट्स एंड ड्यूटीज का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए और कस्टोडियन जिम्मेदार हो कि अपने सब्जेक्ट्स को उसने सिक्योरिटी, वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस और फ्रीडम इंश्योर करना है, तो ऐसे सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ कस्टोडियनशिप को कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। और ये पॉलिटिकल सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे, ये कस्टोडियनशिप की अथॉरिटी इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास है। चुनाचे स्टेट बुनियादी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, नीड्स का कस्टोडियन है ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पीपल। इसीलिए स्टेट टू स्टेट हमेशा नेचर ऑफ रिलेशनशिप पॉलिटिकल होगी, मीनिंग दैट के दोनों स्टेट्स आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके एक दूसरे के सब्जेक्ट्स के कस्टोडियनशिप की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करें। ठीक हो गया? तो जहां पे भी कोई एंटिटी कस्टोडियनशिप राइट्स एंड ड्यूटीज के रिलेशनशिप में बाउंड होगी, ऐसी एंटिटी को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एंटिटी। पॉलिटिकल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो दुनिया में सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टर है जो है स्टेट। यहां तक बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऑल पाकिस्तान पोट्रीज एसोसिएशन, सहमत पुत्र? ये कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन के चार एलिमेंट्स मैंने तुझे बता दिए। वहाब एटलीस्ट जिन जिन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया उनके दरमियान तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया ना। स्टेट के चार एलिमेंट्स थे। आगे मैं तुझे पॉलिटिकल कस्टोडियनशिप का कॉन्सेप्ट बता रहा था, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड। क्लियर हो गया? जी 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 मरियम, इसका जवाब मैं क्लास के आखिर में दूंगा, नहीं तो लड़कों ने तेरे क्लास में रहना महाल कर देना है। ठीक हो गया? अब एनी एक्टर अदर देन स्टेट इज नॉन स्टेट एक्टर। एनी एक्टर अदर देन स्टेट इज नॉन स्टेट एक्टर। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया?
एनी एक्टर अदर देन स्टेट इज अ नॉन स्टेट एक्टर, ठीक हो गया। अब इसमें पहला नॉन स्टेट एक्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। बच्चों कैसा, जहां तक समझ आ गया? नॉन स्टेट एक्टर्स में पहला कौन सा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का क्राइटेरिया नोट कीजिएगा। जी जी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसे ही कहते हैं, ठीक हो गया। अब लिखवाना शुरू करूं मेरा बेटा अनीजा, तेजी से लिखी। सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड बाय स्टेट्स, सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड बाय स्टेट्स। नंबर दो, थ्रू अ फॉर्मल ट्रीटी और एग्रीमेंट। नंबर तीन, हैविंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। नंबर चार, गवर्न्ड बाय अ फॉर्मली कोडिफाइड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन आर चार्टर। गवर्न्ड बाय अ फॉर्मली कोडिफाइड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और चार्टर। नंबर पांच, एंड ओनली रिकग्नाइज्ड स्टेट्स कैन बी इट्स मेंबर्स। सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड बाय स्टेट्स थ्रू अ फॉर्मल ट्रीटी आर एग्रीमेंट, हैविंग अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, गवर्न्ड बाय अ फॉर्मली कोडिफाइड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और चार्टर, एंड ओनली रिकग्नाइज्ड स्टेट्स कैन बी इट्स मेंबर्स। ऐसी एंटिटी को कहा जाता है इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? एक स्टेट का कस्टोडियन कौन होता है? गवर्नमेंट। और पीएम नहीं होता, जलिए, गवर्नमेंट होता है। मलंगनिया लाले मुंह से का पता नहीं, आईआर पढ़ने आ गई है। गवर्नमेंट, समझ आ गया इसे इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों कहते हैं? समझ आ गया? अच्छा, अब स्टेट की नेचर क्या है? स्टेट की नेचर क्या है? पॉलिटिकल। तो इन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो आईजीओ, आईजीओस, आईपीओस या आईपीआईस, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। अब सीधा बेटा गौर करिए, सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड बाय स्टेट्स, क्या यूएन को स्टेट्स ने बनाया? थ्रू अ फॉर्मल ट्रीटी आर एग्रीमेंट, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के एग्रीमेंट के तहत बनाया। Having a formal structure, रफिया बेटा उसका एक proper structure है, Secretariat, General Assembly, UN Security Council, governed by a formally codified law, constitution or charter, UN को govern क्या करता है? UN charter, and only recognized states can be its members, ठीक हो गया? दीपिका और असर अली गोंदल UN के member नहीं है, सिर्फ state उसके member है।
यहां तक कॉन्सेप्ट चौकस हुआ या नहीं हुआ? चौकस। अब मिसबा बेटा आगे लिख क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया? अब मिसबा बेटा, मिसबा बेटा लिखने से पहले मेरी बात को गौर से जरा सुन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया बच्चों? मेरी बात को जरा गौर से जरा सुनो मिसबा, क्या यह मुमकिन है, अभी लिखना नहीं है, मेरी बात को जरा समझ, क्या यह मुमकिन है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जिसकी सारी स्टेट मेंबर बन सके? शहबाज लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो, यूएन की सारी स्टेट्स मेंबर बन सकती है, क्या यह मुमकिन है कि दुनिया की हर स्टेट इसकी मेंबर बन सके? यस। और निदा बेटा यह भी मुमकिन है ना कि उसकी मेंबरशिप किसी मखसूस स्टेट को ओपन हो? जी, तो क्लासिफिकेशन का एक तरीका ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप हो सकता है, यूनिवर्सल मेंबरशिप और लिमिटेड मेंबरशिप। हफ्जा उसका पूरा शेर है, जो शख्स तेरे साथ रह के भी सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पर और बेशुमार हो। ठीक है, अब ध्यान कर मलंगनी है इधर जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक हो गया? मेंबरशिप की बुनियाद के ऊपर उर्वा बेटा क्या टाइप्स होगी? यूनिवर्सल मेंबरशिप और लिमिटेड मेंबरशिप। ओके हो गया? चौकस हो गया? ठीक है, अब उर्वा मेरी बात का दूसरी बात का जवाब दे, मेरी दूसरी बात का जवाब दे, क्या यह मुमकिन है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके बैक वक्त मल्टीपल पर्पसेस हो? और क्या यह मुमकिन है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो किसी एक ही पर्पस के लिए बनी हो? ठीक हो गया? अब मैं इन दोनों क्लासिफिकेशंस को मिलाने लगा हूं। अब लिखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्लासिफाई किया जाता है एज यूनिवर्सल मेंबरशिप ब्रॉड पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर वन। नंबर टू, यूनिवर्सल मेंबरशिप नैरो पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस। फिर लिमिटेड मेंबरशिप ब्रॉड पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस, और नंबर चार, लिमिटेड मेंबरशिप नैरो पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस। यूनिवर्सल मेंबरशिप ब्रॉड पर्पस, यूनिवर्सल मेंबरशिप नैरो पर्पस, लिमिटेड मेंबरशिप ब्रॉड पर्पस, लिमिटेड मेंबरशिप नैरो पर्पस। ओके हो गया? यहां तक ओके हो गया? यूनिवर्सल मेंबरशिप ब्रॉड पर्पस, एग्जाम्पल यूएन। यूनिवर्सल मेंबरशिप नैरो पर्पस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। लिमिटेड मेंबरशिप ब्रॉड पर्पस, आसियान, सार्क, ओआईसी। और लिमिटेड मेंबरशिप नैरो पर्पस, लिमिटेड मेंबरशिप नैरो पर्पस, इस्लामिक कोर्ट ऑफ जस्टिस, नेटो। बच्चों हर तरीके से इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गई? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाओ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पे, आईएनजीओस पे। शुरू करवाऊं?
ठीक हो गया राबिया बेटा, नोट करी। सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्स, सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्स, क्लियर? Such organizations which are privately owned by individuals or groups, which, number two, which are simultaneously operating in two or more states. Which are simultaneously operating in two or more states. Number three, which are operating in respective state with the consent of that state. Which are operating in any state with the consent of the state. Or number four, and are operating for non-profit purposes. Such organizations which are privately owned by individuals or groups, which are simultaneously operating in two or more states, which are operating with the consent of the respective states, and they are operating for non-profit purposes. ऐसी चीजों को क्या कहते हैं? International Non Governmental Organizations, INGOs. Okay, Rabia? Rabia Putar, okay हो गया? Kasim? And are operating for non-profit purposes. Examples. Doctors Beyond Borders. Sorry, Reporters Beyond Borders. Green Peace International. US Aid. ICRC. और एग्जाम्पल्स दो, मेरा दिमाग बंद हो गया है। WWF, चौकस हो गया, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। WHO ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सैमा बेटा। जा माफ किया तुझे, क्या याद करेंगे कि सखी से वास्ता पड़ा। बच्चों कॉन्सेप्ट चौकस हो गया, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, ICJ बेटा यूएन का हिस्सा है सुमेरा बेटा, सुमेरा पुत्र यूएन का हिस्सा है जी। दी तबीबाने सरहद, पीटा मीटा लीटा शीटा कीटा सारे अली। बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों कवर हो गए। आई मेरी मां कितने फसाए। ठीक हो गया। अब अगली है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जिसे TNC ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस भी बोला जाता है। सुमेरा तूने आज एक काम करना है, सुमेरा बेटा आपने ना क्लास के एंड बाद मिट्टी का तेल लेना है, अपने ऊपर छिड़कना है। ठीक हो गया,
फिर एक माचिस पकड़नी है और खुद को आग लगा लेनी। शुरू शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी मेरा बच्चा, फिर उसके बाद इन सारी तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। मलंग नहीं, आईसीजे यूएन का स्ट्रक्चर का एक मैंडेटरी कंपोनेंट है। ठीक हो गया, अब आगे पढ़ाऊं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। वाह शीजा, सारे शीजा के लिए क्लैपिंग करो। ठीक हो गया बच्चों, अच्छा जी बच्चों, एमएनसीज, टीएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस, बच्चों इधर ध्यान करो बच्चों, जो कुछ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में लिखा है, जो कुछ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में लिखा है, सारे का सारा चिस्पां करो, बस नॉन प्रॉफिट को प्रॉफिट कर दो। हफ्जा पुत्र, जोन मेला, जोन मेरा सबसे फेवरेट शायर है। लगता है मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सभी को दिलाता रहा हूं मैं। फॉर प्रॉफिट, फॉर नॉन प्रॉफिट को फॉर प्रॉफिट कर दूं। ठीक हो गया, सच सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्स विच आर सिमल्टेनियसली वर्किंग इन टू आर मोर स्टेट्स विच आर ऑपरेटिंग विद द कंसेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट पर्पसेस। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर? क्लियर? एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, यूनिलेवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, टोयोटा, सुजुकी, एमसी डोनाल्ड्स, केएफसी, आंडियाला बर्गर, सबवे, करीम, उबर, बच्चों क्लियर हो गया? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन संभालोगे, ठीक हो गया। मिसवा बेटा 5 मिनट की ब्रेक कर, मुझे 5 मिनट की ब्रेक चाहिए प्लीज, मुझे 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, आई नीड निकोटीन, 5 मिनट की ब्रेक है शाह, 5 मिनट की। ठीक हो गया, मैं 5 मिनट बाद आ जाऊंगा।
आ गए सब लोग बच्चा? जी साहब। हुजैफा, मैंने खुद ऑन किया है कैमरा। बार लोगों की बार बार फरमाइश आ रही थी प्राइवेट चैट के अंदर के सर प्लीज हमें अपनी शक्ल दिखा दें, तो मैंने कहा देख लें, शायद आपकी ये हसरत अधूरी ना रह जाए। नहीं, आवाज मेरी ठीक नहीं है मनहूस आदमी। शाहजी आपने क्या बात कर दी? जरीन पुत्र आप जैसी भी है गुजारा करना, मेरे तो दो बच्चे हैं। मेरा बच्चा अच्छा जी, आगे चलूं मेरा बच्चा? अच्छा जी, आगे है ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। बच्चों, ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स को आप वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं। ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स को आप वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं, ठीक है? अब वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्सप्लेन करूं। सच लूज एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस, सच लूज एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस विच आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव कोऑपरेशन फॉर अटेनमेंट ऑफ सम कॉमन इंटरेस्ट। सच लूज आर इनफॉर्मल, सच लूज आर इनफॉर्मल एसोसिएशन जरीन, सच लूज आर इनफॉर्मल एसोसिएशन विच आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव कोऑपरेशन फॉर अटेनमेंट ऑफ सम कॉमन इंटरेस्ट। ओके, बाय exerting pressure on relevant stakeholders, by exerting pressure on relevant stakeholders। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, इनका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक हो गया? ये मोहल्ले में मोहल्ले की कमेटियां इकट्ठी करने वाली आंटियां हैं, ठीक हो गया? जो जो मिलती हैं, ठीक है, कमेटियां इकट्ठी करने के लिए, लेकिन साथ ही तलाके, खाड़ी के सूट, वो भी दो नंबर, ठीक है, सारे फंक्शन बीच में चला देती, ठीक हो गया? इन्हें प्रेशर ग्रुप्स भी कहा जाता है, इन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहा जाता है। टू अचीव कोऑपरेशन फॉर अटेनमेंट ऑफ सम कॉमन ऑब्जेक्टिव, फॉर अटेनमेंट ऑफ सब कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन इंटरेस्ट, बाई एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। मरियम पुत्रा, बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया? आई होप सो मेरे बच्चों को ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, दो जो मेजर फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं
वो कहलाती हैं एथनिक मूवमेंट्स या रिलीजियस मूवमेंट्स। दो मेजर फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं? एथनिक मूवमेंट्स आर ग्रुप्स और रिलीजियस मूवमेंट्स आर ग्रुप्स। ठीक हो गया? एथनिक मूवमेंट्स लिखवाना शुरू करूं मेरा बच्चा? एथनिक मूवमेंट्स लिखवाना शुरू करूं? अच्छा शहबाज तेजी से नोट करिए। सच एथनिक ग्रुप्स, सच एथनिक ग्रुप्स। शिजापुत्र और मैं कितना स्लो करूं मेरा बच्चा? सच एथनिक ग्रुप्स। सच एथनिक ग्रुप्स विच आर ऑपरेटिंग ईदर टू प्रोजेक्ट एथनिक आइडेंटिटीज, विच आर ऑपरेटिंग ईदर टू प्रोजेक्ट एथनिक आइडेंटिटीज और टू प्रोटेक्ट आर टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ एन एथनिक ग्रुप और टू गेट अ सेपरेट स्टेट ऑन एथनिक ग्राउंड्स। ऐसी मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है? एथनिक मूवमेंट्स। ऐसे ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? एथनिक ग्रुप्स या एथनिक मूवमेंट्स। बच्चों क्लियर हो गया? एग्जाम्पल्स दूं? ठीक हो गया। अनिजे पुत्र, कुर्द मूवमेंट ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट खालिस्तान मूवमेंट, उसके बाद ब्लैक राइट्स मूवमेंट, पश्तून मूवमेंट, स्कॉटिश मूवमेंट, आयरिश मूवमेंट, कैटलोनिक मूवमेंट, ये सारी की सारी एथनिक मूवमेंट्स हैं। एथनिसिटी होती है रंगो नस्ल, ठीक है, कौमियत। तो जो रंगो नस्ल की बुनियाद पे सेपरेट स्टेट को हासिल करने के लिए या एक खास एथनिक ग्रुप्स के ठीक है राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए या एथनिसिटी को प्रमोट करने के लिए जो ऑपरेट कर रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है एथनिक मूवमेंट्स। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? जायनिस्ट मूवमेंट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। शलीम, शलीम जॉन तू पहली दफा आया और साले गलत आया है मैदान में, कैसे कर लेते हो? इतना टैलेंट कैसे आया तुम लोगों में? अब शलीम अगली बात सुन, शलीम अगली बात सुन मेरा बच्चा। अगला है रिलीजियस मूवमेंट। मेरी माँ। अगला है रिलीजियस मूवमेंट। ठीक हो गया शलीम मेरी जान? जान जहां पे भी तूने एथनिक मूवमेंट में एथनिक लिखा था ना, वहां पे रिलीजियस लिख ले। डन। फलस्तीन मूवमेंट, जायनिस्ट मूवमेंट, कैथोलिक मूवमेंट, ऑर्थोडॉक्स चर्च मूवमेंट, इवन के पाकिस्तान मूवमेंट,
बाज मूवमेंट्स रिलीजन और एथनिसिटी का मिक्सचर होंगी, ठीक है। फलस्तीन मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट, डन बच्चों। एथनिक मूवमेंट्स और रिलीजियस मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलूं, आगे चलूं मेरा बच्चा। अच्छा जी मरियम पुत्र आगे देखी। अगला है इंटरनेशनल मीडिया एंड सिविल सोसाइटी। इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, अंडर स्टूडेंट क्या होता है। हाय साइमा, किसके नाम रिपीट करो मेरा बच्चा। रिलीजियस मूवमेंट्स के नाम रिपीट करो साइमा पुत्र, किसके नाम रिपीट करूं। अच्छा जायनिस्ट मूवमेंट, जिसे ग्रेटर ज्यूइश मूवमेंट भी कहा जाता है। कैथोलिक मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, ऑर्थोडॉक्स चर्च मूवमेंट, फलस्तीनियन मूवमेंट, अहमदीज राइट्स मूवमेंट, अहमदीज राइट्स मूवमेंट, ये सारी की सारी रिलीजियस मूवमेंट्स है। आ जा आ जा आ जा आज 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 छोटे न मिला पाला शब बेटा है ना, आज आज है आज है ना, क्या है आज 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 इधर लाज 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 बाबा पाशा आज मेरा बेटा इतना छोटा सा चूजू है ना, चल इधर बैठ जा बाबा पाशा। अच्छा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया इंटरनेशनल मीडिया एंड सिविल सोसाइटी क्लियर हो गया। भाई कहाँ है? अच्छा इसे नहीं छेड़ना, ये क्या है? अच्छा आगे चले। अच्छा बच्चों आखिरी चीज है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आखिरी चीज क्या है? आखिरी चीज है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक हो गया बच्चों। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नोट करना शुरू करो। सच illegal slash illegitimate organizations। अनीजा बेटा मैं मीडिया को क्या डिफाइन करूं, लगनी है तू जड़ तो नहीं है? अनीजा तू जड़ तो नहीं है? मंडी बौद्धीन से तो नहीं तेरा ताल्लुक? हाँ तो इसीलिए मोटी अकल है ना मलंग। अच्छा जी खानी एक मिनट ना पुत्र, ठीक हो गया इंटरनेशनल मीडिया एंड सिविल सोसाइटी हो गया। अच्छा बच्चों आखिरी चीज पे आ जाओ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। Such illegitimate or illegal organizations which are operating in two or more states. एक मिनट खानी, एक मिनट ना मेरे बेटे। Such सर सच इलिजिटिमेट और इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस। मारिया पुत्र अभी मैंने पूरे का पूरा रगड़ा है इसी बात के ऊपर, वड़ाइज बीबी को अब तूने डांट खानी है। सिविल सोसाइटी और मीडिया की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्लियर है ना यार? ठीक हो गया। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाओ। सच
इलिजिटिमेट और इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ऑपरेटिंग इन टू आर मोर स्टेट्स विच आर ऑपरेटिंग इन टू आर मोर स्टेट्स मां प्लीज यार विच आर ऑपरेटिंग इन टू आर मोर स्टेट्स एंड दे आर ऑपरेटिंग and they are operating by using the psychological tool of intimidating terror among masses by using the psychological tool of intimidating terror among masses in order to achieve any of their covert objectives ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर हो गया, चौकस हो गया मेरा बच्चा? मारवी पुत्र ये क्लियर हो गया? अलकायदा, दाइश, आईएसआईएस, बोको हराम। बच्चों सारे नॉन स्टेट एक्टर्स क्लियर हो गए? क्लियर हो गया सुमेरा बेटा? सुमेरा ये तूने आगे रुकन क्यों लिखा हुआ है? अच्छा, रुकन मंडी बहुद्दीन में गांव का नाम है। मैंने कहा तू उधर की तो नहीं है। दो मिनट क्यों रुकूं? कौन सी ऐसी खुशी मिली है मैं जिसकी वजह से दो मिनट रुकूं मैं? वजह ऐसा अनिता तेरा कोई अच्छा गांव भी नहीं है मेरा बच्चा, यकीन करी। अच्छा है वहां पे, मतलब चरस के बाग लगे हुए ना? अच्छा है। हुजैफा मेरा बच्चा, ये ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स की डेफिनेशन थी जिसके आगे दो कैटेगरीज थी, एथनिक मूवमेंट एंड रिलीजियस मूवमेंट। नहीं रफिया बेटा, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम इंटरनेशनल एक्टर नहीं लेते, आप सिंपल कह सकते हो ग्लोबल लीडर्स। बस सजाद मुझे पता चल गया तू पटवारी है। अनीजा बेटा मैं छिमो से हूं, रुकन के अंदर पिछले इलेक्शंस में मैं वोट मांगने के लिए आया था। रफिया बेटा ग्लोबल लीडर्स को ऐड कर ले, वो इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी में आ जाएंगे, ओवरऑल सिविल सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स आ जाएंगे ना। अब तू बदले नाना ले अनीजा, मनुष औरत। अनम बहन अनीजा को क्लास से निकाल दे, उसने मेरे गांव को बुरा कहा। फौरन ये पोलिटिकल साइंस पढ़े, रट्टे मारेगी ना खुद दिमाग ठीक हो जाएगा। अच्छा आगे चलूं?
हुजैफा बेटा तू रेलवे स्टेशन पे जाएगा ना, लाला मूसा के रेलवे स्टेशन, वहां पे एक किताब पढ़ी होगी कामयाब शादी के 100 तरीके, उसका सफा नंबर 1 से 23 तक पढ़ना है। शीजा बेटा जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी के पेज नंबर बताऊंगा ना, पिछली क्लास में ये भी बोला था। मतलब मैं समझता हूं कि शायद कोई एक आध ऐसा हो जिसमें टैलेंट ना हो, सारों में माशाल्लाह नलायकी का टैलेंट कूट कूट के बराबर। ओ जैफा मेरी किताब मलंग आदमी पार्ट 1, ठीक है? अब बच्चों मैं एक बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट करवाने लगा हूं, ठीक हो गया? मैं एक बड़ा ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट करवाने लगा हूं, उस बात को जरा समझना है मेरे बहनों भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा आजकल ना मेरे बहनों भाइयों एक टर्म इस्तेमाल होती है सुप्रा नेशनल एक्टर्स, ठीक हो गया? एक टर्म इस्तेमाल होती है सुप्रा नेशनल एक्टर्स, ठीक हो गया? हाय जब आते पे स्केड्यूल भेजते ना और बीच में आपके क्लास का नाम नहीं होता, इतनी खुशी, इतनी खुशी। ओए हो ठीक हो गया? अब इधर ध्यान करो, ठीक है मेरा बच्चा, इधर ध्यान करो, मैं एक टर्म बताने लगा हूं सुपरा नेशनल एक्टर्स, मेरी बात सुन रहे हो? ओ मारवी मेरी दादी, इधर ध्यान कर, ठीक है बच्चों इधर ध्यान करो, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। एनी एंटिटी विच इज लार्जर देन अ स्टेट, इधर इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप, विच इज लार्जर देन अ स्टेट इधर इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप और इन टर्म्स ऑफ स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस या फंक्शंस। हर वो एंटिटी, अरसलान बात नोट करिए मेरा बच्चा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक हो गया? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर वो एंटिटी अरसलान मेरी जान जो लार्जर देन द स्टेट है इधर इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप और इन टर्म्स ऑफ स्फेयर ऑफ इंफ्लुएंस और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस या फंक्शंस और इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन। ऐसी एंटिटीज को क्या कहा जाता है? ऐसी एंटिटी को कहा जाता है सुप्रा नेशनल एक्टर्स, ठीक है? ऐसी एंटिटी को क्या कहा जाता है? सुप्रा नेशनल एक्टर्स। बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आई? अब बच्चों इधर इधर ध्यान करो, अरसलान अरसलान, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर मल्टीपल स्टेट्स होंगे, यार किधर मर गए हो सारे? तो जैफा लार्जर देन अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप, सो दिस इज अ सुप्रा नेशनल एक्टर। इन टर्म्स ऑफ स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल मीडिया, क्या उनका स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस बियॉन्ड वन स्टेट जाएगा? सुप्रा नेशनल एक्टर। मारवी पुत्र क्लियर हो गया? इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इनके ऑपरेशन भैया वक्त एक मुल्क से ज्यादा मुल्कों में। मारवी पुत्र तो क्या हो गया? सुप्रा नेशनल एक्टर।
और ये जो एथनिक मूवमेंट्स या रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, इन्हें मल्टीपल स्टेट्स लेजिटिमेट या लिजिटिमेट डिक्लेयर करती हैं, मल्टीपल स्टेट्स इनके साथ सपोर्ट या नॉन सपोर्ट करती हैं, यानी मल्टीपल स्टेट्स इन्हें रिकग्नाइज या नॉन रिकग्नाइज करती हैं, सुप्रानेशनल एक्टर्स। तो इन शॉर्ट नॉन स्टेट एक्टर्स को आप सुप्रानेशनल एक्टर्स भी बोलते हैं। तो अगर वो तुम्हारे साथ पेपर में मारे गुगली तो परेशान नहीं होना, यही सारे के सारे सुप्रानेशनल एक्टर्स हैं। सुप्रा का मतलब होता है लार्ज, यानी एनीथिंग लार्ज इन देन अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप और इन टर्म्स ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस और इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन। बच्चों कॉन्सेप्ट चौकस हो गया ऑर्गेनाइजेशंस का। ठीक है बच्चों, मैं वापस आ रहा हूं, मैं डेफिनेशन के साथ दोबारा लिंक कर रहा हूं। बच्चों इंटरेस्ट ओके, नेचर ओके, रिलेशंस ओके, एक्टर्स ओके, ठीक हो गया, चार चीजें ओके हुई या नहीं हुई? जो चार चीजें ओके हुई या नहीं हुई, अब मैं लेवल ऑफ एनालिसिस पे चला जाऊं। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात को गौर से जरा सुन। अब मैं तुम लोगों के साथ, ठीक हो गया, एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूं ना, ठीक हो गया, वो डिस्कस मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन अब मैं इसे ऐसे की आउटलाइन से तुम्हें समझाने लगा, ऐसे की आउटलाइन के रेफरेंस से मैं तुम्हें ये चीजें समझाने लगा, ठीक हो गया, ऐसे की आउटलाइन के रेफरेंस से तुम्हें मैं ये चीजें समझाने लगा, मेरी बात पे गौर करना है। हमने कितने लेवल पे आईआर के किसी भी इशू को एनालाइज कर सकते हैं? चार। कौन कौन से लेवल हैं शहबाज, कौन कौन से लेवल हैं? इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट, ग्लोबल, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा, मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ठीक हो गया। बच्चों इसके बाद तुम्हें कभी भी ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग में इशू नहीं आएगा, ठीक हो गया। बच्चों इधर ध्यान करो, इंडिविजुअल लेवल, डोमेस्टिक यानी सोसाइटी लेवल, इंटरस्टेट यानी स्टेट लेवल और ग्लोबल लेवल। बात समझ आई या नहीं आई? अब मैंने स्लाइड पे किया क्या है कि यहां पे मैंने थीम्स लिख दिए, यहां पे मैंने थीम्स लिख दिए, इंडिविजुअल लेवल पे चीजों को एनालाइज करने के लिए तुम ये थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो, सोसाइटी या डोमेस्टिक लेवल पे तुम किसी चीज को एनालाइज करने के लिए ये थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक हो गया। ऐसे ही स्टेट लेवल पे चीजों को एनालाइज करने के लिए तुम ये थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो, और ग्लोबल लेवल पे चीजों को एनालाइज करने के लिए तुम ये थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्लाइड तुमने रोजे कयामत तक अपने पास रखनी है, ये स्लाइड रोजे कयामत तक तुम लोगों ने अपने पास रखी है, ठीक हो गया। अब राफिया बेटा, राफिया पुत्र, मुझे कोई एक ऐसे का टॉपिक बता, कोई एक ऐसे का टॉपिक बता राफिया पुत्र, अब कोई लिटरेरी ऐसे ना बता दे। फेमिनिज्म, साध साध, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग पकड़ लें,
और कोई एक बताओ ना मनुष्यो, डेमोक्रेसी, ठीक है जरीन, डेमोक्रेसी के ऊपर ग्रेट लीडर के रेफरेंस से आर्गुमेंट आ सकता है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना में जवाब दे दो, ठीक हो गया। क्रेजी लीडर्स, मोदी, फासिस्ट आ सकता है? तारिक अगर तुझे लगता है ना कि इसके ऊपर आर्गुमेंट नहीं आ सकता, ठीक हो गया, तो मेरा भाई एक पपी इधर एक पपी उधर, मनुष्य आदमी, मलंग, ठीक हो गया। डिसीजन मेकिंग इन क्राइसिस, इस थीम से डेमोक्रेसी पे टॉपिक आ सकता है? साइकोलॉजी एंड परसेप्शन एंड डिसीजन, खाता है पर लगाता भी तो है, इस थीम से टॉपिक आ सकता है, आर्गुमेंट आ सकता है? लर्निंग, यानी कैसे डेमोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता स्लो लर्निंग के जरिए इंप्रूव होती है, आर्गुमेंट आ सकता है? असैसिनेशंस, एक्सीडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, आर्गुमेंट बन सकता है? और सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, आर्गुमेंट आ सकता है? ठीक है, तो शहबाज क्या इन थीम्स को पिक करके तू डेमोक्रेसी पे 2 से 3 अच्छे आर्गुमेंट बिल्ड कर सकता है? कर सकते हो सारे, डोमेस्टिक लेवल पे नेशनलिज्म, इंडिया, आरएसएस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डिक्टेटरशिप विद इन द डेमोक्रेसीज, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, डोमेस्टिक कुलेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन, रोल ऑफ जेंडर, रोल ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री गैरिजन सिंड्रोम, फॉरेन पॉलिसी एंड रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसीज, क्या डेमोक्रेसी पे इन थीम्स में से आप 2 से 3 आर्गुमेंट पिक एंड चूज कर सकते हो? ऐसे ही अनिजा स्टेट लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल लेवल पे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ये कैसे नेशनल नैरेटिव, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इलेक्शन को मनूवर कर सकते हैं? क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर तुम ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन, साइमा मर जा तू, हर टॉपिक जल्दी, जितने भी थीम्स हो सकते हैं, मैंने वो थीम्स इस लिस्ट पे, इस स्लाइड पे लिस्ट कर दिए, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, एजुकेशन उठा लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन उठा लो, हेल्थ सेक्टर उठा लो, पॉलिटिकल क्राइसिस उठा लो, पंडेमिक उठा लो, थीम यही रहेंगे।
इन थीम्स के अंदर से, इन थीम्स के अंदर से, यानी इन थीम की बुनियाद पे तुम ऐसे की आर्गुमेंट के हिसाब से अपना एनालिसिस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्या डेमोक्रेसी में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के एंगल से क्वेश्चन नहीं आ सकता? ठीक हो गया, क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज से डेमोक्रेसी पे नहीं आ सकता? बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया, तो मेरे बहनों भाइयों जितने भी थीमेटिक एरियाज हो सकते हैं वो इस स्लाइड पे लिख दिए गए। आप इस स्लाइड को ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर थीम्स इस्तेमाल कर सकते हो, या आप किधर किधर इस्तेमाल कर सकते हो, आप ये बताओ। ऐसे में कर सकते हो, कर सकते हैं, करंट अफेयर में कर सकते हैं, कर सकते हैं, पाक अफेयर में कर सकते हैं, कर सकते हैं, आईआर में कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी में कर सकते हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज में कर सकते, हर जगह पे कर सकते हैं मनुष्यों। ये एक स्लाइड संभालो तो कभी तुम्हें ये टेंशन नहीं होगी कि सर हमने सोचना कैसे, सर आर्गुमेंट की समझ ही नहीं आती कौन सा आर्गुमेंट लिखें कौन सा ना लिखें, सर उसने मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया, डेढ़ घंटा मुझे आउटलाइन बनाते बनाते लग गया, सर मुझे कुछ समझ नहीं आई सर, फिर मैं बहुत रोई। कहानी समझ आ गई? ठीक हो गया, थीमेटिकली पूरा सीएसएस इस स्लाइड के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया, ये स्लाइड संभाली तो आज के बाद कभी, ठीक हो गया, कभी ये नहीं कहोगे कि भाई सर हमने आर्गुमेंट्स देने क्या। ठीक है, अब मेरे बच्चों मैं वापस जाने लगा, मैं वापस जाने लगा। ठीक है, अब बच्चों वापस जाएंगे तो अब जरा गौर करो, हमने पढ़ी तो दो ही चीजें, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ फायर, लेकिन तुमने गौर नहीं किया कि आज की क्लास में हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि अगर कोई संभालने वाला हो तो उसे वो संभाला भी शायद ना जाए, लेकिन इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। ठीक हो गया, इंटरेस्ट में पढ़े हमने, इंटरेस्ट में पढ़े हमने फैक्टर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का एक तरीका, ठीक हो गया, नेचर के अंदर हमने पढ़ा ट्रांजिशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक तरीका, रिलेशंस के अंदर हमने कोऑपरेटिव या कंफ्लिक्टुअल रिलेशनशिप की एग्जांपल पढ़ी, एक तरीका, एक्टर्स के अंदर हमने पूरी दुनिया के एक्टर्स देख लिए, एक तरीका, और लेवल ऑफ एनालिसिस के अंदर हमने सारे थीम्स पढ़ लिए, एक तरीका। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया, सिर्फ आज के लेक्चर को संभाल लो, कंपल्सरी तुम्हारा हो जाएगा। ठीक हो गया, और तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि हम रहे तो डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स में, लेकिन मैंने इसी के साथ लिंक करके तुम्हें आईआर की ए टू जी ऑफ इंट्रोडक्शन बता दिया है। तुम 50 किताबें पढ़ लो यही निकलेगा, इससे ज्यादा डेटा नहीं निकलेगा। बात समझ आ गई मेरे बच्चों को? ठीक हो गया, आई होप सो मेरे बच्चों को ये अब डर खत्म हो गया कि आईआर बड़ी कोई मुश्किल चीज है, ये डर खत्म हो गया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, ये डर खत्म हो गया कि आप किस किस एंगल से आर्गुमेंट लिख सकते हो। ठीक हो, इंशाल्लाह ताला अगर ये संभालो तो फाका होगा। निहार मुझे ठीक हो गया, चलो मेरे बहनों भाई अगली क्लास में पढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, इंजॉय करो, और अगली क्लास से पहले पहले फर्स्ट 23 पेजेस ऑफ चैप्टर 1 पढ़ लें, हर सूरत पे पढ़ लें। ठीक है, आई होप सो आज का पेपर आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा।
ठीक है, चलो मेरे बहनों भाइयों, थैंक यू अनम बहन, ओवर टू यू।